फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द बाइल डक्ट एंड द दैनक्रेटिक डक्ट ओपन टूगेदर इन टू डूर्ड एन एज डैश विच इज गार्डेड बाय बायटर कॉल द डैश तो पहले हमें पता है कि गॉल ब्लैडर से क्या आती है हमारी सिस्टिक डक्ट ठीक है और लिवर से हमारी क्या आती है

डक्ट के पास में क्या होते हैं एक स्फिंक्टर पैर होता है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ठीक है सो जो हमारा फर्स्ट फिलअप है वो क्या हुआ हिपैटो पैनक्रियाटिक और हमारा सेकेंड फिलअप क्या हुआ स्फिंक्टर ऑफ ओडाए ठीक है अब हम सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं ये देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डैश इज अ प्रोटिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीनस ठीक है तो हमें पता है कि इन्फेंट्स में मिल्क प्रोटीन यानी केसिन को पैराकेसिन में पैराकेसिन में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है रेनिन ठीक है तो जो हमारा थर्ड फिलअप है वो क्या हो गया रेनन ठीक है सो so, अब हम स्टेटमेंट थर्ड पढ़ते हैं स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड

और ग्लिसरॉल में और हमें पता है जो फैटी एसिड्स है वो क्या है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ठीक है तो क्या होता है कि ये कन्वर्ट होते हैं मिसेल्स में और मिसेल्स हमने पढ़ा हुआ है जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ होगी इनसाइड या इनवर्ड्स और जो हाइड्रो हाइड्रोफिलिक हेड है वो कहाँ होगा आउटसाइड ठीक है सो so, एक बार जब मिसेल्स बन गए तो वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाएंगे मिसेल्स कहाँ जाएंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वहां पर क्या होगा जो ये मिसेल्स हैं इनके आसपास क्या आ जाएगी प्रोटीन की कवरिंग मतलब प्रोटीन इनको क्या करेगा आउटर साइड से कवर कर लेगा सो so, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कायलो ओके okay. और ये जो काइलो माइक्रोन्स हैं वो सिंपली कहा जाते हैं लिम्फ वेसल्स के अंदर जिन्हें हम लैक्टियल्स बोलते हैं विलाई में ठीक है सो so, हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ फिलअप हुआ वो क्या हुआ हमारा फोर्थ हुआ मिसेल्स और हमारा जो फिफ्थ फिलअप हुआ वो क्या हुआ ठीक है तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट फिलप है हमारा कॉमन बाइल डक्ट सेकेंड है स्पिंग्टर ऑफ बोर्डिन थर्ड है पेप्सिन जो कि गलत है क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा फर्स्ट फिलअप है वो क्या है डक्ट और सेकेंड क्या है स्पिंग ऑफ ओडाई और थर्ड क्या है Ren सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि थर्ड इज रेनिन फोर इज काइम एंड फाइव इज मिसल्स जो कि गलत है क्योंकि हमने देखा जो हमारा फोर्थ फिलप है वो क्या है ठीक है ठीक और जो हमारा फिफ्थ है वो क्या है काइलो सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो फर्स्ट है वो है हिपैटो पेनक्रियाटिक सही है क्योंकि इसमें गिवन है कि जो हमारा फर्स्ट फिलप है वो है हिपैटोपेनक्रेटिक डग जो कि सही है सेकंड जो है वो है स्पिंक्टर ऑफ ओड़ा है। सेकंड इज स्पिंग्टर ऑफ ओड़ा है। और जो थर्ड है वो इसमें गिवन नहीं है फोर्थ है मिसेल्स और फाइव है काइलोमाइक्रोन तो हमने भी लिखा है कि फोर्थ है मिसेल्स और फिफ्थ है काइलो सो so, जो ऑप्शन सी जो है हमारा वो